Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो दोस्तों मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको ऐसे ड्रॉबैक्स बताए थे R15 M और V4 के जो लगभग किसी ने नहीं बताया होगा, तो वो हिडन ड्रॉबैक्स थे उसके। तो गाइस आज की वीडियो होगी इसके एडवांटेजेस की, तो वो हिडन एडवांटेजेस बताऊंगा मैं आपको कि R15 M और R15 V4 जो हम 2,20,000 रुपये खर्च करके लेते हैं उसके लेने के क्या फ़ायदे बनते हैं और ये बाइक क्यों हट के रहती है दूसरी बाइकों से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो बाइक है ना R15 M और V4, ये मार्केट में एक सबसे यूनिक बाइक है और इसकी जो ये जो लॉन्च हुई है ये पुराने वाले वर्जन से बिल्कुल डिफरेंट बन के लॉन्च हुई। तो सबसे पहले इसको हट की चीज़ ये बनाती है कि गाइस जो V3 के मुताबिक ये गाड़ी पूरी डिफरेंट है, तो आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप कोई पुरानी गाड़ी चला रहे हो। और आप अगर 2,20,000 रुपये खर्च करते हो तो आपको एकदम फ्रेश लुक मिलेगा और वो की बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और यंगस्टर को ये बहुत पसंद आती है कि आपको फ्रेश लुक की गाड़ी मिल रही हो जो कि मार्केट में नहीं हो, तो उसकी अट्रैक्टनेस ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और आपको ज़्यादा अटेंशन देंगे। तो पहली चीज़ ये होगी कि इसका एकदम फ्रेश लुक। मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि R15 V3 BS6 के मुताबिक R15 V4 और M में जो इनिशियल टॉर्क है वो थोड़ा बढ़ाया गया है, वो उसका RPM में चेंजेस किया गया है, तो जिसके वजह से आपको इसका इनिशियल अच्छा फील होगा। R15 V3 के मुताबिक अच्छा इनिशियल फील होगा आपको। तो गाइस ये जो टॉर्क में चेंजेस किया गया है तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे हमें पिकअप अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग की शिकायत ये रहती थी कि R15 V3 में जो इनिशियल है काफ़ी बेकार है, मतलब शुरुआती तौर पर जो पिकअप होता है ना जब तक आप हाई RPM नहीं देंगे तो वो बहुत बेकार है। तो इसमें ना थोड़ा बहुत आपको फ़र्क महसूस होगा, पर ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क महसूस होगा, लेकिन वो भी बहुत सही है। अगर आपका वेट हल्का है तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब गाइस मैं आपको तीसरी चीज़ बताता हूँ, इसकी तीसरी सबसे खासियत चीज़ क्या है, ये जो देख रहे हैं आप ये है क्विक शिफ्टर, और ये क्विक शिफ्टर आपको इस सेगमेंट की बाइक में पहली बार दी गई है जो 155 cc की कैटेगरी है, मतलब अंडर 200 cc की कैटेगरी में पहली क्विक शिफ्टर वाली बाइक होगी। और गाइस इसका क्विक शिफ्टर इतना कमाल का है ना, मतलब अभी तक मैं क्विक शिफ्टर ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी 9,000 किलोमीटर चलने वाली है, मतलब इतना अच्छा फील देते हैं, बिल्कुल भी कभी भी स्टक नहीं हुई है। मतलब इसका क्विक शिफ्टर हम खाली अप शिफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, डाउन कट समय हमें क्लच यूज़ करना पड़ेगा, और बिना क्लच के मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मारता हूँ, बहुत ही स्पीड में बहुत ही तेज़ मारता हूँ। और इसका हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि जब आप ड्रैग कर रहे हो या फिर एक मोमेंट पर आप किसी से रेस कर रहे होंगे ना, तो आपको ना कुछ सेकेंड का फ़ायदा मिल जाता है इस क्विक शिफ्टर की वजह से। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है कि 2,20,000 रुपये खर्च करके हमें इतना अच्छा क्विक शिफ्टर मिल जाता है जो कि बहुत स्मूथ है। और ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद जब हम क्विक शिफ्टर मारते हैं ना गाइस, तो बैक प्रेशर के साउंड मारती है, ठक ठक करके आवाज़ आती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। अब आपको एक और खासियत चीज़ बताता हूँ R15 M और R15 V4 का। गाइस आप इसको इतना रफ राइड कर लो, काफ़ी रफ राइड कर लो, जितनी भगाना है भगा लो, VVA में चला लो, सबको चला लो, लेकिन इसका एवरेज इतना अच्छा होता है कि आपको 40 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज आपको देगी, मतलब 35 से ऊपर एवरेज देगी, जितना रफ राइड करना है कर लो। मतलब यमा का इंजन इतना अच्छा और इतना ड्यूरेबल है कि इतना अच्छा एवरेज निकाल लेती है ये जितना भी रफ राइड कर लेते हैं। तो बड़ा तगड़ा तरीके से भगाता हूँ मैं इसको, लेकिन तब भी मेरे को एवरेज इसका 40 से ऊपर मिल रहा है फिलहाल अभी। और गाइस आपको बता दूँ एक बड़ी काम की चीज़ है, ये R15 V4 और R15 M लेने के आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि इसका एसेसरीज़, मॉडिफिकेशन एसेसरीज़ मार्केट में इतनी अवेलेबल है कि आपको हर जगह मिल जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने लगा रखा है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ये देख रहे हैं आप मैंने क्या क्या एसेसरीज़ लगा रखा है, काफ़ी एग्जॉस्ट लगा रखे हैं मैंने, सीट कवर लगा रखे, बहुत सारी चीज़ लगा रखे हैं, आपको पता चल जाएगा, आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे। तो यार ये एसेसरीज़ आपको R15 V4 और M में काफ़ी मिलेंगे, ऑनलाइन में मिल जाएंगे आपको और मार्केट में भी मिल जाएंगे, और बड़े आराम से आप इसको इजीली फिट कर सकते हैं। इस आपको बता दूं मैं R15 M और V4 लेने के एक और आपको फ़ायदा मिल जाता है कि अगर आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाते हैं विद बैंड पाइप, तो गाइस आपका एवरेज ज़्यादा कोई कम नहीं होगा, ना आपकी बाइक में कोई इफेक्ट्स पड़ता है, और साउंड इतना लाजवाब देती है ना गाइस, सुपर बाइक से कम साउंड नहीं देती। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने RR310 यूज़ किया हूँ कम से कम 2 ईयर्स, और मैंने यही वाला एग्जॉस्ट उसमें लगाया था, इसका और उसका साउंड जमीन आसमान का फ़र्क था। RR310 में साउंड गाइस थोड़ा पतली थी और काफ़ी ज़्यादा लाउड थी, इसमें साउंड बेसी है और कम है, तो मतलब ये इतना अच्छा इतना प्रॉपर प्रीमियम साउंड दे रही है। जब इसको हम रेव में चलाते हैं फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर में, हाई रेव देकर चलाओगे ना गाइस, तो लगता है कि कोई सुपर बाइक टाइप की आती है। कोई भी सिंगल सिलेंडर की बाइक इतना बेहतर साउंड नहीं देती होगी जितना R15 M देगी आपको, R15 V4 देगी।
गाइस फाइनली आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि 2,20,000 रुपये खर्च करने से आपको क्या मिल जाता है। तो यंग स्टर लोग को बता दूँ मैं कि आप लोगों को एक प्रॉपर स्पोर्ट बाइक की पोस्चर मिलेगी, मतलब आप इसको राइड करेंगे तो आपको लगेगा कि यार कौन सी बाइक राइड कर रहा हूँ। नई वाली RC 200 में भी जो राइड पोजिशन है उससे भी बेहतर है इसका राइडिंग पोजिशन, बिकॉज इसके फुट रेस्ट काफ़ी ऊपर है RC से भी ऊपर है और इसका हैंडल बार उससे थोड़ा डाउन है RC नई वाली RC से। तो जब आप इसको आप बैठेंगे और राइड करेंगे ना तो आपका सिटिंग पोस्चर काफ़ी स्पोर्टी होने वाला है और काफ़ी लड़कों लोगों को यंगस्टर को काफ़ी पसंद आता है ये वाला सिटिंग पोस्चर। तो ये बाइक आपको लगी है कि आप प्रॉपर स्पोर्ट बाइक चला रहे, एक सुपर बाइक की तरह फील देती है। सुपर बाइक मान लीजिए या छोटा मोटा सुपर बाइक ही हुआ, एक मिडिल क्लास बॉय के लिए सुपर बाइक से कम नहीं है गाइस। तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि 2,20,000 रुपये खर्च करके आपको सिंगल LED प्रोजेक्टर मिल जाता है जो कि MT-15 से बिल्कुल अलग है और R5 V3 से इसका हेडलाइट विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया हो जाती है नाइट टाइम में। तो ये मत समझना कि ये बहुत छोटा सा है तो खोखा होगा, लेकिन बहुत तगड़ा है गाइस, नाइट में देखना बहुत तगड़ी लगती है और रात के टाइम में जब इसकी आप देखोगे ना इसका लुक्स काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम लगती है। साइड में उसको डेविल्स आए होते हैं, बीच में लाइट जल, बाकी देखो गाइस लुक्स क्या लाजवाब लग रही है। और एलोविल्स में पेंट करने के बाद तो हमारी गाड़ी चमक रही है, एकदम जहर उगल रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा गाइस आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मज़ेदार कंटेंट ऐसे यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।